नमस्कार मित्रों मित्रों भारत फ्रांस से और 26 राफेल युद्धक विमान और 3 स्कॉर्पिन क्लास परंपरागत पनडुब्बियों को खरीदने की तैयारी कर रहा है। 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा सौदे की घोषणा संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महीने होने वाले फ्रांस के दौरे के समय की जाएगी। लेकिन यह सौदे की अंतिम कीमत नहीं है, मेक इन इंडिया के तहत इस रक्षा सौदे में भारत को रियायत मिलने की उम्मीद है। करार से जुड़ी मोलतोल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सौदे की घोषणा की जाएगी। सरकार के सूत्रों का कहना है कि भारतीय सेनाओं ने रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव रखा है, जिसके अनुसार भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीट वाले राफेल मरीन विमानों के साथ 4 ट्रेनर विमान भी मिलेंगे। नौसेना लंबे समय से इस युद्धक विमान और पनडुब्बी के लिए दबाव डाल रही थी। इस बीच मेक इन इंडिया के तहत नौसेना प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के तौर पर मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा। इन रक्षा प्रस्तावों पर पहले ही रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठकों में चर्चा हो चुकी है। इन प्रस्तावों को अगले कुछ ही दिनों में रक्षा अधिग्रहण परिषद के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। फ्रांस में इस रक्षा सौदे की घोषणा से पहले इसे सरकार से जरूरी मंजूरी मिल जाने की पूरी उम्मीद है। नमस्कार मित्रों,